आज अगर कोई भी कार कंपनी भारत में अपनी गाड़ियों को लॉन्च करना चाहती है तो अपनी शुरुआत एक एसयूवी से करना चाहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में एसयूवी का काफी क्रेज है और कंपनीज इसका फायदा उठाना चाहती हैं। इस कड़ी में फ्रांस की कंपनी पीएसए ग्रुप जल्द ही अपनी एक एसयूवी गाड़ी के साथ भारत में एंट्री करने वाली है। जी हाँ, ये कंपनी जल्द ही सिट्रॉन एसयूवी के साथ भारत में अपनी एंट्री करने वाली है और आज हम आपको इस गाड़ी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। पर हम आगे बढ़े उसके पहले आप हमारे चैनल एनजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। और खबरों की माने तो सिट्रॉन एसयूवी को अगले ही महीने पेश कर देगी। इस गाड़ी को टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है और खबरों की माने तो कंपनीज 3 अप्रैल को इस गाड़ी को सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस के नाम से पेश कर सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में इस गाड़ी को 4 इंजन ऑप्शन के साथ बेचा जाता है। इन ऑप्शन में 1.2 लीटर और 1.6 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन शामिल है। अगर आप डीजल गाड़ी चाहते हैं तो उसके लिए 1.5 लीटर और 2 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन मिल सकता है। इन दोनों ही इंजन के साथ 6 स्पीड का मैनुअल और 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। भारत में इसे सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस के नाम से पेश किया जाएगा। कंपनी इस गाड़ी को 2021 तक भारत में लॉन्च कर सकती है और लॉन्च होने के बाद इस गाड़ी की टक्कर Hyundai Tucson और जीप की कंपस जैसी एसयूवी गाड़ियों से होगी। इस गाड़ी की और भी जानकारी हमें अभी नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही हमें मिलेगी को जरूर बताएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।